3-4 महीने तक तो आईसीयू में रही है, और डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था कि ही बचेगी ये लड़की, पर आज यहाँ साथ में खड़ी है बैठी है। दो बारी बजाते हैं, एक बारी में थोड़ा है। Hey guys, welcome back to my channel. तो आपने मेरी शक्ल की हालत देखी होगी, 12 बजे हुए मुंह पे। अभी जिस घर की सफाई की हम लोगों ने, मम्मी की बॉडी पेन हो रहा था और अभी खाना बना दिया है, तो खाना खाते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लाजपत नगर जाने वाले हैं, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था क्वेश्चंस के लिए, तो या उनकी रिप्लाई भी दूंगी मैं। और पहले अपने मुंह की हालत ठीक करती हूँ और खाना वाना भी खाते हैं और फिर निकलते हैं लाजपत नगर के लिए। और सॉरी यार, इतना शोर मचाता ना आ रहा मेरे को। बहुत शोर मचाता है यार। तो आज खाने में बना है राजमा की दाल और साथ में भट्ट है मिक्स, तो खाना खाते हैं। तो निकल चुके हैं हम, अब बस आज ड्राइव करते हुए मैं लेके जाऊंगी, पापा को बोलती हूँ। मैं नहीं जा रही रास्ते में, मैं कहीं आज पड़ी नहीं, मतलब मेरे पे तो इतना ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हें। क्यों होगा नहीं भाई, मैं अच्छे तरह से जब ये क्यों भोग रहा है क्या जब जब मैं इतनी अच्छे तरह से ड्राइविंग करती हूँ, तो फिर डरने की क्या बात। क्या हो गया थे तो किसी को डर लग रहा है तो अभी गाड़ी से उतर जाओ। किसी को डर लग रहा है? नहीं। आपको डर लग रहा है? मम्मी डर तो लग रहा है, शीतल के साथ मैं कभी बैठी ही नहीं। वैसे तो बैठी जब पार्क में ड्राइव करा है इसने। हाँ एक दिन बैठी थी। ये मेरे होठों को खींची जा रही तब से। आपने बोले थे इससे मारोगी, मारे नहीं आपने। इसको देख लो आज से आपने 30 काटा है। क्या है पहुंच चुके हैं लाजपत नगर। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे शूज इनके, तो यहाँ पे सारे ये दोनों के तीनों के तीन नहीं चारों के चारों लगे पड़े अपने लिए ढूंढने में। और खुद दीक्षु मेरे पे तो सेम आता है, तो दीक्षु लेगी तो मैं भी पहन लूंगी। तो आरव के लिए डन हो चुका है ये वाला शूज, और आरव खुश है। ये तेरी। तो दीक्षु बहुत थक गई थी इसलिए मैंने गोदी में बैठ गई यहाँ पर। पापा को देख रहा है ऐसे जो लाते रहते हैं, हम कुछ भी खरीदे ना पापा ऐसे करता है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं लेना। हाँ और सारे पर्सन के पापा लेना पड़ता है। पापा ना पागल की तरह दुकान में चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? ऐसे चलाते हैं जैसे अपना मुंह छुपाना पड़ता है। खुशी और कोमल ने ले लिए हैं अपने लिए शूज़। दिखा जरा दिखा कौन कौन से लिए। ये कौन किसका? कोमल का, ये वाला है खुशी का। चलो हम दोनों तो बस शक्ल दिखने आए थे इन दोनों की। गाइस मैंने कुछ दिनों पहले लिए थे इसलिए पापा मेरे से नहीं पूछ रहे, इसलिए इससे पूछ रहे हैं। अभी उसकी जूही को पहरिया नु नए का नए जूता ने सु के लेने दिलाओ ना। हैं इसका मतलब है कि आप क्यों दिला रहे हो? सु न रे लेने की सोच रहे हैं कि टट्टू जी को। अच्छा तुम गंदी शक्ल नहीं लिए थे पिछले साल, तुम तो बार बार लेते रहते हो। तो लास्ट में मैंने भी ले लिए शूज। 1 2 3 4 5 पांचों बच्चों ने ले लिए। तो गाइस बेसिकली हम शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं अगले महीने गांव भी नहीं, मतलब वही आपको बता रहे कोटेश्वर जाएंगे, तो इसलिए हम शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत मज़ा आएगा। तो अगले व्लॉग्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो अगर पहुंच गए बस मार्केट में अपनी, और कुछ खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं मेरा तो चाउमिन नहीं, बाहर का तो मैं ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती, मेरा दाल चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं मतलब अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मम्मी ने दाल बोल के लिए दे मतलब अपनी बात पे पलट गई है। मम्मी राजमा चावल बनाए थे ना बड़े टेस्टी थे, झूठे हैं। मेरे पापा बोल रहे पापा बिस्किट ले आओ, तो पापा बिस्किट ले आए हमारे लिए। आओ कुछ मेरे बाल मत खींच, हरकत करा रहे हैं। चलो बाय। चलो भाई घर पे मिलते हैं और क्वेश्चन आंसर में शीतल लिखा है, चुप रहा है। सच में लिखा है डस्टबिन में? मैंने देखा है डस्टबिन में मेरा नाम लिखा रहता है, डस्टबिन चटाइयों में मेरा नाम लिखा रहता है, टंकियों में मेरा, स्वीट शॉप में मेरा नाम लिखा रहता है। क्या बोलो मैं इतनी फेमस। चीतल है वो, चीतल है।
घर पहुंच के मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। तो गाइस आ गए हैं घर और अब मैं आप सभी के क्वेश्चंस के रिप्लाई देने वाली हूँ। तो मेरे बहनों को बुलाने का टाइम आ गया है। When did you start YouTube? तो मैंने YouTube स्टार्ट किया था 2021 में और आई थिंक अक्टूबर के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था 2021। हाँ, और मुझे 2 साल होने वाले हैं, अक्टूबर में हो जाएंगे पूरा। अगला क्वेश्चन है, आपका बर्थडे कब आता है? सॉरी, आपका बर्थडे कब दी, प्लीज व्लॉग में बताना ना। 18 अगस्त। तो मेरा बर्थडे आता है 18 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टार्टेड योर चैनल? तो मैंने बता दिया था 2021 में क्या था। और वेयर डू यू लिव? मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाउ यू ग्रो योर चैनल? तो मैं बता दूँ, देखो चैनल ग्रो तो अपने आप होता है। अब उसमें ये कि मैं अपना काम कर रही हूँ तो ग्रो हो रहा है, अगर मैं काम करना बंद कर दूंगी तो ग्रो होना बंद हो जाएगा। हम सब काम करते हैं इसके चैनल। हाँ, तो मतलब ऐसे नहीं कि मैं अकेले ही काम कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी बहनें भी मेरी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो लिखा है, हाउ यू शूट योर वीडियोज? तो मेरे पास आईफोन 11 है तो मैं उससे शूट करती हूँ। मेरे पास अभी कोई भी कैमरा नहीं है, ना ही कोई टूल है, GoPro वगैरह नहीं है अभी, वो बाद में लूंगी जब सोचूंगी बाद में ही। और अभी तो जैसे मतलब व्लॉग में सिर्फ अपने फोन से करती हूँ और ट्राईपॉड वगैरह यूज करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। हाथों से ही व्लॉग, क्योंकि कम्फर्टेबल हाथों से होता है, ट्राईपॉड लेके घूम के ना हाथ में दर्द होता है। मेरा बर्थडे आपको बता दिया 18 अगस्त को आता है, मेरी एज उस हिसाब से सोच रहे मेरी एज क्या होगी, कमेंट करके बता। ठीक, तो पूछा अंशिका डोबलियाल ने कि डू यू लाइक स्केरी मूवीज? तो बता दूं, हम चारों बहनें इतना ज्यादा क्रेज है मैं स्केरी मूवीज का, हमने सारी स्केरी, मुझे लगता है कि हमने सारी हॉरर मूवी देखी होगी। जब भी मैं बता रहा हूँ ये वाली मूवी आने वाली है तो सारे देखने वाले। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? नहीं बता सकते, इट्स प्राइवेसी है हमारी, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड। लिखा है कि कोई पहाड़ी एल्बम में काम करो। यार मुझे पता है, आपको बता दूं तो मुझे पहाड़ी एल्बम के लिए ऑफर आया था बट उस टाइम पे मेरे को दिल्ली में काम था और उस टाइम पे मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मतलब पहाड़ पे शूटिंग थी, तो नहीं नहीं कॉलेज की वजह से मैं बिजी थी। अगला क्वेश्चन है, आपका इंस्टा अकाउंट? तो मैं यहाँ पर नाम डाल रही हूँ हम तीनों का, तो कर देना इंस्टाग्राम में फॉलो, मुझे दिखना चाहिए फॉलो। तो जितेंद्र नेगी ब्लॉग्स ने पूछा है, एज ए यूट्यूबर आई वॉन्ट टू आस्क यू, आस्क इन योर ब्लॉग्स यू आर यूजिंग टैग्स एंड इफ येस देन वॉट, हाउ कैन वी ग्रो ऑन यूट्यूब एज एंड एज सब्सक्राइबर, आई एम बिग फैन ऑल ऑफ योर सिस मॉम डैड, कीप ग्रोइंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूरोप। तो टैग्स तो यूज करना चाहिए, उसके अलग अलग तरीके आते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस ब्लॉग के लिए किस टाइप के टैग यूज करने होते हैं। हाँ, तो ग्रो चैनल पे तभी हो पाता है बंदा जब उनका कंटेंट अच्छा होता है। अब जैसे कि मेरे भी कुछ वीडियोस में व्यूज हैं, कुछ में नहीं है, तो जिनमें हैं उनका कंटेंट अच्छा है इसलिए वो ग्रो, उनकी वीडियो उन पे व्यूज आ रहे हैं। और आगे बोला है कि, और प्लीज एक ऐसा व्लॉग बना दो जिसमें आप कहाँ से हो, आप दिल्ली कब आए, आपका विलेज कहाँ है। मैं इसी व्लॉग में आपको बता देती हूँ कि हम आए थे दिल्ली, मतलब दिल्ली क्या, पापा पहले से दिल्ली में रहते थे तो मम्मी तो गांव में है थी, मतलब फिर 9 मंथ तक तो मैं गांव में रही हूँ और मैं भैंस के ओबरे में भी थी। भैंस का ओबरा जिसको नहीं पता, वो जहाँ पर गाय वगैरह रहती है ना, तो वहां पर मैं पैदा हुई थी। और गांव की कोई मतलब क्या बोलते हैं, दाई माँ बोलते हैं ना उन, दाई होती है। हाँ, तो उनने मेरे को निकाला था, गेरी क्या बोलूंगी, तो हाँ उनकी वजह से मैं वही समझ रहे क्या बोले, निकाला 9 मंथ तक मेरे पापा ने मुझे भी देखा नहीं था, ना ही मैंने पापा को देखा था। तो जब पापा फर्स्ट टाइम उसे मिले थे तो मैं पापा के पास गई ही नहीं, और धीरे धीरे मतलब हो ही जाता है ना, फिर पता चला हाँ पापा है पापा है। 2 महीने के बाद मैं दिल्ली आई और तब से मैं दिल्ली में ही हूँ, और बाकी सभी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन है कि आपका विलेज कहाँ है? तो यूके में मेरा विलेज है, टेरी गढ़वाल में है, यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तराखंड ना, तो हाँ उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल से हैं हम लोग, और हमारे गांव का नाम है पयाल गांव।
खुशी तो साइड हो गई है। और तो एक लास्ट क्वेश्चन है और वो बहुत सीरियस क्वेश्चन भी है। तो मतलब बहुत सारे कमेंट आए हैं एक वीडियो पे जिसमें लिखा है कि दीक्षु के स्टमक को क्या हुआ है, तो दीक्षु बताइए इस बारे में। सो गाइस, मैं तीन चार साल की छोटी सी थी, तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी, कचरे में आग लगा रखी थी किसी ने, तो वहाँ पर मैं लकड़ी से पता नहीं क्या कर रही थी, अरे मतलब कुछ कुछ लोगों ने कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा रही थी। तो ये वहाँ पर लकड़ी से पता नहीं क्या खेल रही थी, वहाँ पर पता नहीं कौन सा डांडे खेल, मेरी कॉटन की ड्रेस थी और उसमें आग लग गई। मतलब कुछ वर्कर्स वहाँ पर काम करते झाड़ू मारते है ना, तो उनने देख लिया इसको, इस पे आग लग गई है, और तो भाग के आए, इसके आग इसके कपड़े फाड़े और इसको चद्दर से लपेटा, और मतलब इसका बॉडी में ना ऐसा लग नहीं रहता कि आग लग के कुछ हुआ होगा। जैसे कि जब हमारा हल्का सा जल जाता है ना, तो थोड़ा सा फूल के छिलने लग जाता, तो उसकी पूरी बॉडी ऐसी लग रही थी उस टाइम पे मुझे। फिर इसकी बॉडी में तेल लगाया पापा ने, और वही क्या बोलते उसे कोलगेट वगैरह लगाए ताकि जलन ना मचे, बट तब तक तो हो ही गया था इसका पूरा, मतलब बहुत बॉडी टाइट हो गई थी। मैं को गाड़ी में लेके गए थे ना उस टाइम पे, मुझे गाड़ी में लेके गए थे, तो उस टाइम में पीछे ना मेरे को लिटा गया था, और मैंने गले में ऐसा लगा था किसी ने इतना भारी पत्थर रखा है, सांस ही नहीं आ रही थी, और मेरी आंखें ऐसे ऐसे जैसे ब्लर होता है ना कि हाँ आँख खुली फिर बंद, आँख खुली फिर बंद हो गई। तो जब हॉस्पिटल में मुझे लेके जा रहे थे, तो मुझे लाइट ही लाइट दिख रही थी, ब्लर दिख रहा था, सब कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम तो जब मेरी हॉस्पिटल में पट्टियाँ चेंज कर रहे थे ना, इतना दर्द होता था, चिल्लाती थी पूरे हॉस्पिटल में ऐसा ज्यादा। बट डॉक्टर ने तो जब भी वहाँ पर एडमिट कर दिया था उसे आईसीयू में, तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि नहीं बचेगी, कम से कम ये तीन चार महीने तक तो आईसीयू में रही है, और डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था कि नहीं बचेगी ये लड़की, पर आज यहाँ साथ में खड़ी है, बैठी है और हंस रही है, जा रही है अपने बारे में, मैंने उसको बोला अपने बारे में बता, ये हंस रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब हम में से ऐसा कोई फील नहीं करता कि ये जली हुई है या कुछ है, मतलब किसी को फील नहीं होता, बट जब कोई पूछता है तब आज हमने सोचा बताते हैं। और जब इसकी पट्टी चेंज होती थी ना, जब हम इसको देखते थे दर्द हमें होता था, और इसको कितना दर्द होता होगा पता नहीं भाई, मतलब इसके हाथों में भी पट्टी, पेट में भी पट्टी, जब इसी पेट में से पट्टी निकालते थे ना, एकदम इसके मांस जो निकलता था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बहुत दर्द था। हाँ, और जब हॉस्पिटल में एडमिट भी थी तीन चार महीने, तो हम भी जब उसको देखने जाते थे ना, तो इसके बगल में भी सेम टू सेम ऐसे ही लोग होते थे जिनको मतलब जिनकी पूरी बॉडी जल गई है, कुछ कुछ तो वहीं पर ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा था, तो बहुत डर लगता था हॉस्पिटल जाके, और मैं तो देख भी नहीं पाती थी इन सब चीज़ों को। और पर देखो आज साथ में बैठी हुई है, फुल जो क्रैक करती है, और सब इसे पसंद भी करते हैं। जब भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो कोई भी इसको खून देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी बहुत इसकी बॉडी में पूरा खून की कमी हो रही थी, और मेरे पापा का ना ओ पॉजिटिव ब्लड है, तो हाँ पापा ने भी खून दिया था, पर पापा के पे भी ना खून की कमी थी, जिसकी वजह से पापा अपना खून ज़्यादा नहीं दे सकते थे। पापा का ओ है, ओ पॉजिटिव, पापा के दोस्तों के भाइयों ने दिया, और उनके लिए तो दिल से थैंक यू, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो। ये तक मम्मी तो तीन चार महीने तक हॉस्पिटल में ही थी इसके साथ, मम्मी को तो मैंने घर पर देखा ही नहीं था, तो वही था कि मम्मी से भी हम बहुत कम मिलते थे, तो वही घर पे चाचा चाची होते थे, और वही सफाई करते थे, काम करते थे, हम भी करते थे थोड़ा बहुत जो जितना हमें कर सकते थे, बट वही हम छोटे बच्चे थे। तो यार उन सभी को बहुत ही दिल से थैंक यू, और मैं चाहती थी आप सभी को भी पता चले, और क्योंकि आप लोग भी एक लाइफ का हिस्सा हो मेरे, तो यहाँ इतना ही स्टोरी काफ़ी है, और बाकी स्टोरी कभी बताऊँगी अच्छे से, और भी स्टोरीज हैं, बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।